अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अवर चैनल देवरानी जिठानी। ठीक है, मेरी जिठानी ज़रा बिजी है, वो बच्चों को खाना दे रही है। तो आज हम आपको सिखाएंगे, ये देखिए, ये है देसी लहसुन। ये अक्सर औकात बहुत बारीक आता है, उससे बंदा छीलने से कतराता है कैसे कैसे छीला जाए। इसके दो तरीके आपको समझाऊँगी। आज मैं आपको एक तरीका समझा रही हूँ कि आपने करना क्या है कि आसानी से छिल जाए। ठीक है, आपने करना ये है, इस तरह की लहसुन की होती हैं, ये पोथियाँ बोलते हैं इनको हम, तो आपने इनको खोल लेना है। खोल के आपको आपने इस फॉर्म में कर लेना है। ये देखें, सारे अलग-अलग करके इसकी डंडियाँ आपने फेंक देनी है। फिर आपने करना ये है, ये एक किलो तकरीबन लहसुन है, आपने इसमें इतना सा ऑयल लेना है ऐसे करके, और ये ऐसे डाल के आपने ऐसे ऐसे कर लेना है। इस पर अच्छे से ऑयल लगाना है, बस ये ऐसे इसको फैलाना है। आपने इसे दो दिन के लिए, सिर्फ दो दिन के लिए धूप में रख देना है। अभी मैं इसको दो दिन धूप में रखूँ, फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे आराम से छिलते हैं। बस एक चम्मच तेल इस पर लगा के धूप में रखना है आपको। ये देखिए, इसे दो दिन हो गए धूप लगाए हुए, दो दिन से ज़्यादा आपने धूप नहीं लगानी। ठीक है, नहीं तो लहसुन जो है वो शिलिंग हो जाएगा, साइज़ में छोटा हो जाएगा और सॉफ्ट भी हो जाएगा, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है। अब मैं दिखाती हूँ कि आपको उसको छीलना कैसे। आप दिखाएँ ज़रा इसको छील के। ये देखिए, बस एक और ज़रा करके दिखाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, किस तरह में, हाँ ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में इसको थोड़ा रोटेट करेंगे, छिलका आपके हाथ में आ जाएगा। देखो, और जैसे आप धूप से लाएं इसे आपने फौरन कर लेना है। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये देखिए आपको ये मैंने उठाया। अभी आपको एक हाथ से छिलके उठाते हैं, हल्का सा प्रेस करें। ये सारा लहसुन छिलके तैयार है। उम्मीद है मेरी रेसिपीज़ आपको बहुत पसंद आ रही होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।